अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अनमोल नासिर कुरैशी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सो टुडे वी आर हियर विद अ वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर। किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसका इंट्रोडक्शन लाजमी है, तो आज के लेसन में हम लोग लिटरेचर के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग इन टुडेज लेक्चर आर एटीमोलॉजी ऑफ लिटरेचर, डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर, टाइप्स ऑफ लिटरेचर एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर। ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जो कि लिटरेचर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो लेट्स बिगिन विद एन एटीमोलॉजी ऑफ द वर्ड लिटरेचर। लिटरेचर की एटीमोलॉजी को देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एटीमोलॉजी किसे कहा जाता है। एटीमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड। एटीमोलॉजी में ये देखा जाता है कि एक वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया है, उसका ओरिजिन और हिस्ट्री क्या है। सो इफ वी टॉक अबाउट द एटीमोलॉजी ऑफ द वर्ड लिटरेचर, तो लिटरेचर जो है वो लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड लिटेरा से ड्राइव किया गया है, जिसके मायना है लेटर। लिटरेचर की एटीमोलॉजी को देखते हुए हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है, राइटिंग्स फॉर्म्ड विद लेटर्स इज कॉल्ड लिटरेचर। वो राइटिंग्स जो कि लेटर्स को कंबाइन करके बनाई जाती है, उसको कहा जाता है लिटरेचर। नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर। हमारे पास कई तरह के डेफिनेशंस हैं, जिसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है, लिटरेचर इज डिफाइंड एज बॉडी ऑफ वर्क इधर रिटन, ओरल और इन अ विजुअल फॉर्म हैविंग एन एस्थेटिक वैल्यू। हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन है कि वो वर्क्स जो कि रिटन फॉर्म में होते हैं सिर्फ उन्हीं को लिटरेचर कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो वर्क जिसके पास एस्थेटिक वैल्यू हो, चाहे फिर वो रिटन फॉर्म में हो, ओरल फॉर्म में हो या फिर विजुअल फॉर्म में हो, उसको कहा जाता है लिटरेचर। एस्थेटिक वैल्यू कहते हैं कि वो काम जो कि ब्यूटी को प्रेज करे, जिसके अंदर ब्यूटिफिकेशन हो, उसको कहा जाता है लिटरेचर। सेकंड डेफिनेशन इज एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू लैंग्वेज इन एन आर्टिस्टिक मैनर इज कॉल्ड लिटरेचर। वो वर्क जिसके अंदर लाइफ का एक्सप्रेशन दिया जाए, उसको कहा जाता है लिटरेचर। थर्ड, लिटरेचर इज द कम्युनिकेशन ऑफ राइटर्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। वो वर्क जिसके अंदर ऑथर अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताए, उसको कहा जाता है लिटरेचर। एट लास्ट वी हैव लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। लिटरेचर जो है वो आईना है नेचर का, वो नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सब डेफिनेशंस हैं लिटरेचर की। नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर। इस टॉपिक में हम लोग लिटरेचर की खसूसियात के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, लिटरेचर शुड हैव अ थीम। लिटरेचर के पास एक प्रॉपर सब्जेक्ट या फिर आइडिया होना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट है, इट शुड एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ द थीम। आपका वर्क एक ही थीम, एक ही सब्जेक्ट पे बेस करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज लिटरेचर शुड हैव अ कंपेलिंग आइडिया। आपके वर्क का टॉपिक इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जो कि आपकी ऑडियंस को इंगेज करे। फोर्थ पॉइंट इज लिटरेचर शुड हैव अ गुड स्टाइल एंड अ ग्रामर। एक अच्छे काम को लिखने के लिए प्रॉपर स्टाइल और ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट इज लिटरेचर शुड साउंड जेन्युइन। इसका मतलब है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही प्रेजेंट किया जाए। एग्जेजरेशन आपके वर्क की जेन्युइनिटी को ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लिटरेचर। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर, प्योर लिटरेचर एंड अप्लाइड लिटरेचर। अ लिटरेचर दैट ओनली गिव्स एन एस्थेटिक प्लेजर इज कॉल्ड प्योर लिटरेचर। वो लिटरेचर जो कि आपको सिर्फ ब्यूटिफिकेशन या फिर एस्थेटिक प्लेजर प्रोवाइड करता है, उसको कहा जाता है प्योर लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्ड ऑन अ क्रोएशियन अर्न बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने अपने काम में कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया, बल्कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक प्लेजर है, पीस है और इन्जॉयमेंट है। सेकेंडली, अप्लाइड लिटरेचर। अ लिटरेचर दैट प्रोवाइड्स एस्थेटिक प्लेजर एज वेल एज नॉलेज। वो लिटरेचर जो कि आप प्लेजर और इसके साथ साथ नॉलेज प्रोवाइड करे, उसको कहा जाता है अप्लाइड लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल, द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज बाय डार्विन। डार्विन ने अपने काम द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ये काम ना सिर्फ एस्थेटिक प्लेजर देता है, बल्कि इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। अप्लाइड लिटरेचर का मेन फोकस होता है कि नॉलेज को डिलीवर करना।
In order to understand pure literature and applied literature, let's discuss some differences. Pure literature. When the idea exists only in the author's mind is called pure literature. जबकि एक आइडिया सिर्फ और सिर्फ ऑथर के माइंड में एग्जिस्ट करता है उसको कहा जाता है प्योर लिटरेचर. ऑन अदर हैंड व्हेन द ऑथर पुट्स डाउन हिज आइडिया ऑन द पेपर फ्रॉम हिज माइंड इज कॉल्ड अप्लाइड लिटरेचर. जब एक ऑथर अपना आइडिया प्रॉपर फॉर्म में लाता है पेपर पे लिखता है तो उसको कहा जाता है अप्लाइड लिटरेचर. सेकेंडली प्योर लिटरेचर गिव्स एस्थेटिक प्लेजर सेंस ऑफ पीस एंड अकॉम्प्लिशमेंट. प्योर लिटरेचर आपको एस्थेटिक प्लेजर और पीस प्रोवाइड करता है. ऑन अदर हैंड अप्लाइड लिटरेचर गिव्स बोथ लिटरेरी प्लेजर एज वेल एज नॉलेज. अप्लाइड लिटरेचर आपको प्लेजर भी प्रोवाइड करता है और नॉलेज भी. एट लास्ट प्योर लिटरेचर इज कंसर्न विद द ऑथर्स पीस ऑफ आर्ट हिज मीनिंग एंड द आइडिया. प्योर लिटरेचर का फोकस होता है कि एक ऑथर ने जो वर्क लिखा है उसमें कौन सा आइडिया बताया गया है, कौन सी मीनिंग कन्वे की गई है. On other hand, applied literature is concerned with the literary values, style, diction and expression. Applied literature focus करता है कि एक work के अंदर कौन सा style, diction मतलब vocabulary use की गई है और कौन से expressions use किए गए हैं. Last topic is importance of literature. Literature enhances the knowledge. Literature आपकी knowledge में इजाफा लाता है. Literature communicates experience of life. As we discussed earlier, कि लिटरेचर जो है वो लाइफ का ही एक्सपीरियंस बता रहा होता है. लिटरेचर प्रिजर्व्स हिस्ट्री एंड अ कल्चर. आप अगर किसी पर्टिकुलर इरा का वर्क उठा के पढ़ते हैं तो वो उसी इरा की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बता रहा होता है. लिटरेचर इन्हांसेस योर कमांड ओवर अ लैंग्वेज. लिटरेचर जो है वो आपकी लैंग्वेज के ऊपर जो ग्रिप है उसको इम्प्रूव करता है. लिटरेचर एक्सपेंड्स पर्सन्स वोकेबलरी. लिटरेचर आपकी डिक्शन को इम्प्रूव करता है. लिटरेचर इम्प्रूव्स अ पर्सन्स कम्युनिकेशन स्किल. लिटरेचर एक इंसान के बातचीत करने का तरीका उसको इम्प्रूव करता है. लिटरेचर प्रोवाइड्स मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ सेम थिंग्स. इट मीन्स इट ब्रॉडन्स योर विजन. एक ही चीज़ के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स को दिखाता है. लिटरेचर इंकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड इट फ्यूल्स योर इमेजिनेशन. लिटरेचर आपकी इमेजिनेशन को बूस्टअप करता है. लिटरेचर इंटरटेन्स यू एंड प्रोवाइड्स यूजफुल ऑक्यूपेशन इन योर फ्री टाइम. लिटरेचर इंटरटेनमेंट का भी काम करता है और आपके टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करता है. लिटरेचर मेक्स यू वाइजर एंड मोर एक्सपीरियंस टू एनालाइज जज एंड क्रिटिसाइज. लिटरेचर आपको ज़्यादा अकलमंद और एक्सपीरियंस्ड बनाता है ताकि आप किसी भी काम को जज कर सकें, एनालाइज कर सकें और क्रिटिसाइज कर सकें. सो दैट्स फॉर द टुडेज लेसन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू रियली लर्न समथिंग फ्रॉम द लेक्चर देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फ्रूटफुल वीडियोज़. थैंक यू.